चिंटू स्कूल से थक थका कर आता है। वो आकर फ्रेश होता है और ड्रेस चेंज करता है। फिर वो लंच के लिए टेबल पर बैठता है। वो मम्मी से पूछता है, मम्मी चिंटी नहीं है? मम्मी कुछ नहीं कहती। फिर मम्मी कहती है, बेटा चलो आज मेरे साथ मार्केट जाना है। चिंटू कहता है, मम्मी आज बहुत थक गया हूँ, मुझे थोड़ी देर आराम करना है, चिंटी के साथ चले जाए ना। मम्मी कहती है, बेटा मैंने चिंटी को नानी के घर भेजा है। मम्मी आपने उसे अकेले भेजा, मुझे नहीं भेजा? बेटा अगर तुम दोनों साथ चले जाते तो मेरे साथ कौन रहता और मुझे बड़ा बोर भी होता। ओके मम्मी, मैं भी साथ मार्केट चलूंगा। चिंटू मम्मी के साथ मार्केट जाता है। वहां पर उसे एक शूज दिखाई देता है, वो उसे बहुत पसंद आ जाता है। वो मम्मी से कहता है, मम्मी ये शूज देखो ना, कितना प्यारा है, मुझे ऐसा ही चाहिए था, प्लीज मम्मी मुझे दिला दो प्लीज। अच्छा ठीक है बेटा, एक सेकेंड रुको, मुझे जरा देखने तो दो। हाँ बेटा ये तो सही में बहुत अच्छा है, लेकिन बहुत एक्सपेंसिव भी होगा। ठीक है मम्मी, मैं कोई और शूज ले लूंगा। नहीं बेटा, हम लोग यही शूज लेंगे क्योंकि हमारे बेटे को ये बहुत पसंद आए हैं। चिंटू बहुत खुश हो जाता है और कहता है, थैंक यू सो मच मम्मी, मैं कल इसे बबलू की बर्थडे पार्टी में पहन कर जाऊंगा। चिंटू की मम्मी बिल पे करने लगते हैं। कैशियर कहता है, मैडम आज हमारे लकी ड्रॉ का लास्ट डे है, इसमें बच्चों के लिए बहुत सारे गिफ्ट हैं, अगर आप इसमें शामिल होना चाहते हैं तो ये कार्ड फिल कर दीजिए। चिंटू की मम्मी वो कार्ड फिल कर देते हैं। दूसरे दिन चिंटू स्कूल जाता है। स्कूल से आते समय गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है। ड्राइवर अंकल गाड़ी को मैकेनिक के पास ले जाते हैं और सभी बच्चे वहां पर रुके होते हैं। तभी चिंटू की नजर एक छोटे से बच्चे के ऊपर पड़ती है। वो देखता है कि उस बच्चे ने पैर में कुछ नहीं पहना हुआ है और काफी धूप है, उसके पैर बहुत जल रहे हैं। वो बच्चे को करीब बुलाता है और कहता है, तुमने चप्पल क्यों नहीं पहने? बच्चा कहता है, साहब मेरे पास पहनने को चप्पल नहीं है। चिंटू कहता है, मुझे साहब ना कहो, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। तो वो बच्चा बहुत खुश हो जाता है। फिर चिंटू बहुत ही उदास होकर घर पर जाता है। उसके दिमाग में चल रहा था कि मैं कैसे उस बच्चे की मदद करूं। फिर उसे अचानक याद आता है कि उसके पास नए शूज रखे हुए हैं। चिंटू अपने घर आता है और नए शूज को पैक कर लेता है और बाहर की तरफ जाता है। तभी मम्मी पूछती है, चिंटू किधर जा रहे हो बेटा? मम्मी आकर बताऊंगा, बहुत जल्दी में हूँ। फिर जब वो घर वापस आता है तब वो अपने मम्मी पापा को सारी बात बताता है। उसके मम्मी पापा बहुत खुश रहते हैं। पापा कहते हैं, वेरी गुड बेटा, ये तो बहुत अच्छा काम किया तुमने। चिंटू कहता है, मम्मी आप नाराज तो नहीं है ना? नहीं बेटा, ये नाराज होने की बात थोड़ी है, तुमने बहुत अच्छा काम किया है, जाओ जाकर चेंज कर लो। मम्मी को कॉल आता है, हेलो मैडम मैं कैशियर बोल रहा हूँ, लकी ड्रॉ में आपका बच्चे का नाम आया है, प्लीज आप आए या आपका एड्रेस लिखा दें, हम पहुँचा देंगे। मम्मी एड्रेस लिखा देती है। थोड़ी देर बाद पार्सल आ जाता है। जब वो पार्सल को चिंटू खोलता है तब उसमें वही जूते होते हैं जो उसने जिस बच्चे को दिए थे। चिंटू बहुत खुश हो जाता है। वो पार्सल में एक लेटर भी होता है। चिंटू वो लेटर को जब पढ़ता है तो वो दंग रह जाता है, क्योंकि उस लेटर में लिखा था कि वो बच्चा जिसकी उसने मदद की थी वो उस दुकान के मालिक का बेटा था। उस मालिक ने जिस जो जो बच्चों ने नाम लिखाए थे उन सारे बच्चों के पास उस बच्चों को भेजा था, लेकिन किसी ने भी उसकी मदद नहीं की थी, लेकिन चिंटू ने मदद की थी, इसीलिए चिंटू को वो गिफ्ट मिला है। चिंटू बहुत खुश हो जाता है और खुशी से उसने अपना सारा घर सर पर उठा लिया था।